गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग का टॉपिक है डाइवर्सिटी इन फूड एंड फेस्टिवल, भोजन और त्योहारों में विविधता। इंडिया फेस्टिवल एंड फूड स्पीक ऑफ इंडिया रिच कल्चरल एंड ट्रेडिशनल बैकग्राउंड। एवरी रीजन हैज इट्स ऑन फूड प्रिपरेशन डिपेंडिंग ऑन द काइंड्स ऑफ फूड्स अवेलेबल लोकली। केरला For example, has several dishes made out of coconut, which is easily available in the area. People celebrate their festivals also according to their local custom and rituals. The common elements in all the celebration is that they celebrate humanity. Some of the common rituals which are follow in most of the festivals are processing in the streets, decoration of homes and sacred place, traditional folk song and dance performance, special dishes, फ्लावर एंड लाइट्स। इट्स मीन्स भारतीय त्योहारों और भोजन भारत की समृद्धि सांस्कृतिक और पारंपरिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध भोजन के प्रकार के आधार पर हर क्षेत्र की अपनी भोजन तैयारियां होती है। उदाहरण के लिए केरल में नारियल से बने कई व्यंजन हैं जो इस क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध हैं। लोग अपने त्योहारों को अपने स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार भी मनाते हैं। सभी समारोह में सामान्य तत्व यह है कि वे मानवता का जश्न मनाते हैं। कुछ सामान्य अनुष्ठान जिनका अधिकतर त्योहारों में पालन किया जाता है, सड़कों पर जुलूस, घरों की सजावट और पवित्र स्थान, पारंपरिक लोकगीत और नृत्य प्रदर्शन, विशेष व्यंजन, फूल और रोशनी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगे ऑल स्टूडेंट। सो आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। So all of you, good day. Thank you. Have a nice day.